अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके, और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई, हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए, और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है, हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए।